हेलो दोस्तों, नमस्कार। कुमार क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग ICAR IARI एग्जाम को लेकर बहुत बड़ी जो अपडेट आई है उसको लेकर आए हैं। आप लोग जैसा कि देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि ICAR IARI का जो टेक्नीशियन का री एग्जाम हुआ था उसका आंसर भी जारी हो चुका है। वो आपको उसका लिंक कल सुबह मतलब 13 तारीख से आपको अवेलेबल हो जाएगा। जैसे ही आप IARI का जो ऑफिशियल साइट है उसे आप लोग ओपन करेंगे तो आपको सबसे पहले जो है ना ऐसा दिखेगा जिसमें लिखा हुआ है कि टेक्नीशियन D1 पद के लिए 7 जुलाई 8 जुलाई और 10 जुलाई 2023 को आयोजित जो री एग्जाम हुआ था, जो आपको पुनः परीक्षा हुई थी, उसके संदर्भ में ये सूचित किया जाता है कि उपस्थित जो कुछ भी परीक्षा में उम्मीदवार हुए थे उनके लिए 13 जुलाई मतलब कल सुबह 10 बजे से 15 जुलाई रात के 11:55 तक आपको जो ऑब्जेक्शन लिंक है उसको खोला जाएगा। जो कुछ भी आप ऑब्जेक्शन होगा स्टूडेंट्स लोग का, जो भी अभ्यर्थी हैं उसको ऑब्जेक्शन को लेकर के जो है ना आपको जो लिंक को ओपन किया जाएगा उसमें आप ऑब्जेक्शन मतलब कर सकते हैं। जिस क्वेश्चन को लेकर आपको ऑब्जेक्शन होगा तो ये आपको सबसे पहली बात कि 11:55 तक ही लिंक ओपन रहेगा। 11:55 के बाद जो है ना आप ऑब्जेक्शन फिर नहीं कर पाएंगे। तो उसी को फिर से अंग्रेजी में आपको लिखा हुआ है कि विद रेफरेंस टू द री एग्जामिनेशन डेट ऑन 7th जुलाई 8th जुलाई एंड 10th जुलाई 2023 for the post of technician D1, it is informed that an objection link will be made live from 13th July 2023 10 AM सुबह 10 बजे से till 15th July 15 जुलाई तक ही 11:55 PM तक आपको जो है ना शाम के रात के जो है ना 11:55 तक ही अवेलेबल रहेगा। जो कुछ भी एग्जाम में आपको परीक्षार्थी अपीयर्ड हुए थे, जो आप परीक्षा दिए थे, वो आपको ऑब्जेक्शन को रेज कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर क्वेश्चंस। और उसके लिए जो है ना आपको उसका रेफरेंस भी देना होगा कि ये जो हम लोगों ने उठाया ऑब्जेक्शन इसका NCERT या जो कुछ भी आप जिस संदर्भ से आप जो है ना उस ऑब्जेक्शन को उठाए हैं उस संदर्भ को वहां पे जो है ना आपको दिखाना पड़ेगा। उसके साथ साथ ये भी जानकारी दिया गया है कि जितने भी जो उम्मीदवार हैं वो आप बार बार जो है ना IARI जो साइट है आपको इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का उसको विजिट करते रहे ताकि जो है ना आपको सारी जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो कट ऑफ लगभग आपको जनरल का पिछले साल के अकॉर्डिंग जितना जाता था लगभग पिछला साल जो है ना 60 के अप्रोक्स किया था। आपको OBC का लगभग आपको 58 के आसपास किया था तो इसी के आसपास जो है ना आपको जनरल और ओबीसी का आपको कट ऑफ रहेगा। और जो आपको SC ST का कट ऑफ था वो भी लगभग उतना ही रहेगा जितना पिछले साल गया था, क्योंकि इस बार थोड़े से परीक्षार्थी कम थे और उसके साथ साथ आपको लेकिन ये भी है परीक्षार्थी कम थे लेकिन उसके साथ साथ आपको क्वेश्चन का पिछले जो आपको पिछला बार हुआ था एग्जाम उसके मुकाबले जो है ना क्वेश्चन थोड़े से मॉडरेट थे। वो पिछले बार टफ था, इस बार थोड़ा सा अपना मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट था, इसलिए लगभग कट ऑफ भी लगभग उतना ही जाएगा। धन्यवाद।